क्या विदेशी खिलौने होते हैं खतरनाक? भारत में 18,500 से ज्यादा खिलौने हुए जब्त। आखिर क्यों हो रही है इन पर कार्रवाई? भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने पिछले एक महीने में 18,600 विदेशी खिलौनों को जब्त किया है। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी खिलौने हैमले, WH समिट और ऑर्चीज टॉयज जैसे अंतर्राष्ट्रीय नामी गिरामी स्टोर समेत अन्य जगहों से जब्त किए गए हैं। इन सभी खिलौनों को VIS क्वालिटी मार्क ना होने की वजह से जब्त किया गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने ई कॉमर्स कंपनियों को भी नोटिस जारी कर सरकार की ओर से तय नियमों के पालन करने और खराब क्वालिटी के खिलौनों की बिक्री ना करने को कहा है। विदेशी खिलौनों पर क्यों हो रही है कार्रवाई? केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से खिलौनों के लिए टॉप क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से तय किए गए सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना जरूरी कर दिया है। अगर खिलौने आयात करने वाली और बनाने वाली कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उनके खिलाफ VIS एक्ट के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। विदेश से आयातित खिलौने पर VIS की ओर से दिए जाने वाला ISI मार्क जरूरी होता है, जिसके बिना इनकी बिक्री अवैध मानी जाती है। क्या है टॉय क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर? टॉय क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत आयातित और देश में ही बनाए जा रहे खिलौनों की गुणवत्ता को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। इसके तहत विदेशी खिलौनों के साथ भारत में बनाए जा रहे खिलौनों के लिए भी VIS सर्टिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। हालांकि इस नियम से हस्तशिल्प और GI भौगोलिक संकेत यानी किसी क्षेत्र विशेष से आने वाले खिलौनों को छूट मिली हुई है। टॉप क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के जरिए भारतीय बाजारों में भेजे जा रहे घटिया और असुरक्षित खिलौनों पर रोक लगाई जा रही है। क्या है BIS के सेफ्टी नॉर्म्स? भारत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए जा रहे, आयात किए जा रहे सभी खिलौनों पर BIS क्वालिटी मार्क होना जरूरी है, जिनमें हर तरह के इलेक्ट्रिक खिलौनों के साथ नॉन इलेक्ट्रिक और सॉफ्ट टॉयज भी आते हैं। VIS के सेफ्टी नॉर्म्स की बात करें तो खिलौनों के मैकेनिकल मटेरियल, ज्वलनशीलता, केमिकल प्लेटलेट्स, इंसर्ट्स, फिंगरप्रिंट्स, सुरक्षा जैसे पहलुओं की जांच की जाती है। ये सभी सुरक्षा जांच अब सरकारी लैब में होती है। अगर खिलौनों की कोई खेप इस जांच में फेल हो जाती है तो उसे वापस भेज दिया जाता है या आयातक के खर्चे पर नष्ट कर दिया जाता है। टॉय क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की जरूरत क्या है? अमेरिका जैसे देश में खिलौने का निर्माण और आयात करने के लिए नियम भारत की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त है। अमेरिका में 12 साल से नीचे की उम्र के बच्चे के लिए बनाए जा रहे किसी भी प्रोडक्ट यानी खिलौने से लेकर कपड़ों तक के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। अमेरिका की तुलना में भारत में नियम बहुत ज्यादा सख्त नहीं थे, लेकिन बीते कुछ सालों से उन्हें सख्त किया जा रहा है। टॉय क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत बिना BIS क्वालिटी मार्क के ना सिर्फ विदेशी बल्कि स्वदेशी खिलौनों पर भी रोक लगाई जा रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक खिलौनों के साथ साथ नॉन इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर भी अब ISI मार्क होना अनिवार्य है। इसके साथ ही BIS खिलौनों में गुणवत्ता बनाए रखने और चेतावनियों की लेवलिंग वगैरह की भी जांच करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।